calculating of civil toilet और यूटी टॉयलेट एंड सिलेक्शन स्टार। इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है एंड इट वाज मार्क्ड बाय सर्वेयर दैट वो प्रोसीजर बहुत कम बच्चों को पता था। तो जोन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी, लोकल टाइम, इनका क्या रिलेशन है और कैसे इनको हमको एग्जाम में प्रोड्यूस करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। सो टू टेक अ साइड ऑफ स्टार और प्लैनेट वी रिक्वायर टू सी बोथ ऑब्जेक्ट एंड द हॉराइजन। एट सनसेट सनराइज वी कैन सी द हॉराइजन बट नॉट द ऑब्जेक्ट। एट नॉटिकल ट्वाइलाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बट नॉट द हॉराइजन, दैट इज बिगिनिंग ऑफ नॉटिकल ट्वाइलाइट। आपको याद है ना, 0 to 6 इज सिविल, नॉटिकल 6 to 12 इज नॉटिकल। तो ये 12 डिग्री, क्या नॉटिकल टॉयलेट मतलब अगर आप सनराइज की बात करो तो व्हेन नॉटिकल टॉयलेट इज जस्ट स्टार्टिंग, तो उस समय डेफिनेटली आपका ओरिजन डार्क होगा। देयरफॉर वी रिक्वायर सिविल टॉयलेट एंड ये स्टेटमेंट जो है वो आपके एल्मेनेक है, पर जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आप देखोगे कि इट इज नॉट ट्रू। ओके, थोड़ा सा उसमें जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो एल्मेनिक स्टेट्स ऑन बॉटम ऑफ पेज नंबर 73, आपके पेज नंबर 73 पे है एल्मेनिक के, दैट द टाइम्स गिवन फॉर नॉटिकल ट्वाइलाइट द हॉराइजन इज इन जनरल नॉट विजिबल। इन जनरल आपको हॉराइजन नहीं दिखाई देगा एंड इट इज टू डार्क फॉर ऑब्जर्वेशन विद द मरीन सेक्शन। सो फिर नॉटिकल ट्वाइलाइट सनराइज सनसेट टेबुलेटेड फॉर अ रेंज ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम 72 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज साउथ फॉर ग्रीनविच मरीडियन एंड दे आर द अप्रोक्सीमेट लोकल टाइम फॉर एनी अदर मेरिडियन। जैसे सनराइज टाइम दिया उसने, तो दैट सनराइज टाइम इज ट्रू फॉर ऑल द प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड ऑन सेम लैटिट्यूड। ओके, सो हमें पता है कि लॉन्जिट्यूड ही जीएमटी लीस्ट, लॉन्जिट्यूड वेस्ट जीएमटी बेस्ट। तो ये इस तरह से सनराइज सनसेट टाइम ही, ये मॉर्निंग का टाइम है, तो सबसे पहले नॉटिकल टॉयलेट, फिर सिविल टॉयलेट, फिर सनराइज। एक मिनट जरा मैं अपना मार्कर ऑन कर देता हूँ। मॉर्निंग में नॉटिकल, सिविल, देन सनराइज एंड आफ्टरनून में उल्टा होता है, पहले सनसेट होता है, फिर सिविल होता है, बाद में लास्ट में नॉटिकल होता है। तो पहले जो था इंटरपोलेशन बिटवीन द पेजेस भी था, ये अभी भी बच्चों के दिमाग में। तो पेज 74 एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11 सनराइज सनसेट एंड ट्वाइलाइट, अगर आप देखें पेज नंबर 74 पे, द टेबुलेटेड टाइम्स मे बी रिगार्डेड विदाउट सीरियस एरर। ये आपका एल्मेनिक बोलता है, एज एल एम टी ऑफ द फिनोमना ऑन एनी ऑफ द 3 डेज ऑन द पेज एंड इन एनी लॉन्जिट्यूड, इट इज ट्रू। कॉन्सिक्वेंटली द लास्ट टू एग्जामिनर्स, मतलब जो एग्जामिनर सेट हुए थे अभी से पहले, दे हैव स्टेटेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू इंटरपोलेट बिटवीन द पेजेस। ओके, तो ये सर्वेयर्स ने बोला हुआ है, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू इंटरपोलेट बिटवीन द पेजेस। चलो एसक्यूए मार्च 2013, प्लीज नोट डाउन द डेटा। इट सेज ऑन 23rd जून वाइल ऑन पैसेज टू केप टाउन, मास्टर इंस्ट्रक्ट्स ओडब्ल्यू टू ऑब्टेन अ सेट ऑफ एएम स्टार्स फॉर साइट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वेसल जीपीएस रिसीवर। जीपीएस का क्या बेइज्जती किया है, देखो जी आप बोल रहे हो कि साइट लो सो दैट वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ जीपीएस। सो वेसल डीआर पोजीशन इज सो एंड सो, शिप क्लॉक आर सेट यूटी +7 आवर।
ये क्वेश्चन मेरे साथ में कर रहा हूं आप लोग। डेटा नोट डाउन किया आपने? तो सबसे पहले बोलता है डिटरमिन द लाइकली ऑब्जर्वेशन पीरियड इन विच स्टार साइट मे बी टेकन एज इंडिकेटेड बाय शिप्स क्लॉक, 15 मार्क्स। आउटलाइन द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग स्टार्स फॉर स्टेलर ऑब्जर्वेशन। ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। फिर लास्ट में थर्ड पार्ट में बोलता है यूजिंग डेटा शीट क्वेश्चन 4, दैट इज अ रेडार प्लॉटिंग शीट। तो आप लोग एक छोटा सा A4 साइज रेडार प्लॉटिंग शीट स्टैंड बाय कर लीजिए, विच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ 4-स्टार फिक्स, स्टेटिंग रीजन फॉर ईच ऑफ द चॉइस। इसका हम लोग बाद में डिस्कशन करें। सबसे पहले टाइम कैलकुलेशन, 15 मार्क्स। तो डिटरमिन लाइकली ऑब्जर्वेशन पीरियड फॉर द स्टार साइट। तो एल्मेनिक से हमें कुछ इस तरह से मिल रहा तो आवर लैटिट्यूड इज 26 डिग्री 12 मिनट। तो ये दो टाइम हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 20 एंड 30। और मॉर्निंग का है तो सबसे पहले नॉटिकल आएगा, नॉटिकल ये वाला लाइन है, फिर सिविल है, फिर सनराइज है। ये तीनों का टाइम जो है 26 डिग्री 12 मिनट के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो कैन यू स्टार्ट दिस प्लेस। यहां पे देखिए मैंने ये डेटा लिखा है 20 एंड 30, उसका इंटरपोलेशन मैंने राइट साइड में दिखाया, देन आई कैलकुलेटेड फॉर 26 12 एंड रिटर्न लाइक दैट। यू कैन डू लाइक दैट। हाँ, तो एक ब्लॉक नॉटिकल का बनाइए, सिविल का बनाइए, सनराइज का बनाइए। नॉटिकल का 552.9। ओके, मैंने कल ही मिनट लिया है, सेकंड नहीं लिया, तो आई एम गेटिंग 553।
0552 आया था नॉटिकल का। ओके उसको जरा अपना योगेश खाली मिनट में कन्वर्ट कीजिए। आई एम गेटिंग नॉटिकल 553। हाँ सर आई गॉट 0552 55। हाँ तो सेकंड निकाल देंगे तो मिनट एक बढ़ जाएगा ना। यस सर 53 हो जाएगा। सो अगला है 6062146। सो वी विल टेक 22 राइट। या राइट। पूरा इंटरपोलेशन भी दिखाना है आपको। सनराइज इज 0648। अरे सनराइज में बहुत टाइम लगा दिया आगे 0648। भाई, वेट कर रहा हूं तो मुझे लगा नहीं हुआ। ओके अभी देखिए इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखना है। तो इस तरह से तीन कॉलम बनाएंगे आप, राइट हैंड साइड नॉटिकल सिविल टॉयलेट, देन फर्स्ट विल राइट फ्रॉम एल्बेनेक 23rd, जो आपने इंटरपोलेट किया वो टाइम डाल दीजिए। सेकेंड थिंग विल अप्लाई LIT 10342 मिनट के लिए LIT लगा दीजिए। तो लॉन्जिट्यूड इज GMT लिस्ट, वी आर कैलकुलेटिंग UT of all these times,
So, you are done. यस सर। अब इसके बाद लगाएंगे हम जोन टाइम. क्वेश्चन में दिया हुआ है जोन टाइम इज प्लस 7. और वापस इसको लोकल टाइम में कन्वर्ट करूंगा. दैट विल बी योर शिफ्ट टाइम. अच्छा तो ये हो गया आपका शिप्स टाइम ऑन 23rd 0558 0627 एंड 0653. ऑब्जर्वेशन पीरियड जो होता है वो नॉटिकल और सिविल के बीच से लेके सिविल और सनराइज के बीच का होगा. तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों के बीच का टाइम निकालेंगे, फिर ये दोनों के बीच का टाइम. ट्वेल्व सर एक बार ये बताएंगे सर कैसे? फिर से बोलिए कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया आपको. लास्ट वाला सर। हाँ, जो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है क्या सर होता है. सी, सनराइज के टाइम पे आपको स्टार एक भी नहीं दिखाई देगा, राइट. कैसे? बट वी आर सीइंग सिविल, तो मतलब आल्मेनिक भी बोलता है आप सिविल ट्वाइलाइट यूज करो, राइट. तो इट मस्ट बी बिटवीन सनराइज एंड सिविल. ये दोनों के बीच का जो टाइम है वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन लेना है. और दूसरा जो बिगनिंग स्टार्ट टाइम है वो नॉटिकल और सिविल के बीच का टाइम, यानी ऑन शिप यू विल ऑब्जर्व 0612 से 0640, मतलब 0612 के पहले और 0640 के बाद यू कैन नॉट सी स्टार्स. और नॉटिकल में यू कैन नॉट सी होराइजन, इजंट इट. जी तो इसके लिए हम दोनों के बीच का टाइम लेते हैं. दैट इज माय ऑब्जर्वेशन पीरियड. क्लियर. सर क्लियर। भाई यहां पे देखिए, ये कैलकुलेशन आपको 15 मार्क्स देता है स्ट्रेट. बहुत से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया है इसमें. इट्स नॉट डिफिकल्ट. तो ये प्रोसीजर एक बार आप एक आध बार रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के पहले तो यू आर ऑन सेफ साइड. सर फिर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि ऑब्जर्वेशन पीरियड निकाल। डिटरमाइन द लाइकली ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पीरियड पीरियड इन विच द स्टार साइट मे बी टेकन. ओके, तो यस सर दैट इज योर ऑब्जर्वेशन पीरियड. यहां पे देखिए 23, 27 को मैंने रेड किया है, तो दिस इज द टाइम विच यू रिक्वायर फॉर पार्ट सी. पार्ट सी मतलब जहां पे हमें स्टार्स निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग आउटलाइन द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग स्टार्स. एनीबडी, आप स्टार कैसे सेलेक्ट करोगे, कुछ आइडिया. मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार. मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार, वेरी गुड. और
मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना ज्यादा चाहिए। ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस उसका वैसे होगा। यूवेंटो से अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड 4 तो दैट स्टार विल बी वेरी ग्रेट वेरी ब्राइट इज इट? नहीं सर, मैग्नीट्यूड कम होगा तो स्टार ब्राइट होगा। हाँ तो वही तो मैं पूछा था, मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? मैग्नीट्यूड कम होगा तो स्टार ब्राइट होगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड जितना कम होगा स्टार उतना ब्राइट होगा। और क्या और बोलिए? एनी ऑल्टीट्यूड दिस थिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ द स्टार दैट इज एकदम हॉराइजन पे होगा तो आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते ना। सफिशिएंट ऑल्टीट्यूड शुड बी, फिर अगर एक से ज्यादा स्टार हैं, यानी कि चार स्टार हैं, तो उनके बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, स्प्रेड ऑफ द स्टार। से अगेन, स्प्रेड ऑफ द स्टार्स। हाँ, वी आर टेकिंग फोर स्टार्स राइट, तो फोर स्टार के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन भी तो होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 60। हाँ, आइडियली इट शुड बी 90, क्लोज टू 90। 9, 4, 36। ये कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, कुछ आपको अपने कॉलेज के नोट से देखना है। तो नीड टू सी स्टार्स एंड द होराइजन, देयरफॉर रिक्वायर सिविल ट्वाइलाइट एंड क्लियर स्काइज। ऑल्टीट्यूड 15 to 70, 15 degrees to 70 degrees, एकदम ओवर हेड भी नहीं होना चाहिए। रात के टाइम अंधेरे में ओवर हेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अबव 15 टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव रिफ्रैक्शन, बिलो 70 एज द हायर द लॉटिट्यूड ऑल्टीट्यूड स्मॉलर द जेनिथ डिस्टेंस एंड दस द पोजिशन लाइन बिकम सर्कल ऑफ अ पोजिशन। एडिशनली वेरी डिफिकल्ट टू फिजिकली टेक एन एजिमथ विद हायर ऑल्टीट्यूड। इसमें कॉलेज नोट्स से आपका कुछ गाइडेंस दिया हुआ सेलेस्टियल का, वो भी आप नोट डाउन कर सकते। फिर अभी फोर स्टार फिक्स पार्ट सी में, फोर स्टार फिक्स के लिए हमें चार स्टार सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो स्टार का जो रिलेशन होता है वो एरीज से होता है। तो कैन यू कैलकुलेट एलएचए एरीज एवरीवन? जो सिविल ट्वाइलाइट आपने कैलकुलेट किया था उसके लिए, तो सिविल ट्वाइलाइट आपने कैलकुलेट किया था 22nd June 23, 27। तो एलएचए स्टार आ जाएगा, बताइए मुझे। ओके, so it is JH is 256.00.4, yes, increment 0.0646.1, so JH आ गया था आपका 262.46.5। और इसमें LHA लगाएंगे और सॉरी लॉन्जिट्यूड लगाएंगे, then LHA we got
लॉन्जिट्यूड ईस्ट था तो GHL ईस्ट, इसके लिए ऐड किया मोर देन 360 तो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 360. So I'm getting 006 degree 28 decimal 5. Choice of star में आपको जो टेबल यूज करना पड़ता है उसको साइड रिडक्शन टेबल बोलते हैं. मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, देखो पब्लिकेशन. That is this publication. तो अभी मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि how to use that. फिर आप अपने और questions के लिए उसको use कर सकते. तो side reduction paper शुरू में ऐसा पूरा description है. यहां से शुरू हो गया आपका side reduction table for selected star. तो ये देखिए सबसे पहले है 89 degree north. इसमें LHA 00 से 179 ये वाले कॉलम में, देन 180 टू 358 यहां पे, फिर आपका 88 आ गया, 88 नॉर्थ, 87 नॉर्थ. इसका मतलब साइड डिडक्शन टेबल आपका लेटिट्यूड डिपेंडेंट. आपका लेटिट्यूड कितना है क्वेश्चन में? 26 डिग्री. से अगेन 26 डिग्री 12 सर, साउथ साउथ से. तो मैं अभी 26 डिग्री साउथ में जा रहा हूं, एकदम बीच में जो है वो इक्वेटर है, एकदम बीच में. और हम लोग 26 डिग्री साउथ में चल रहे हैं. डिग्री साउथ. अभी आपका LHA कितना था? 006 डिग्री 28.5 सर. तो मिनट को इग्नोर करते हैं, जो नियरेस्ट डिग्री होगा उसमें जाएंगे. तो मैं थोड़ा जूम इन करता हूं इसको. इतना ठीक है. तो 006 डिग्री ये वाला लाइन है पूरा. इसमें देखिए पहला स्टार है एल्फ्रेक्स, देन हमल, राइजल, कैनोपस, अचरनार, पिकॉक एंड एनएफ. ये जो आपको स्टार दिए हुए सेवन स्टार, ये सेवन स्टार आर सेलेक्टेड बाय द पब्लिकेशन. तो ये सेवन स्टार ये लैटिट्यूड पे, ये LHA एरियाज पे आपको बेस्ट दिखाई देगा. अब ये सेवन स्टार में आप देखिए वन एल्फ्रेक्स, राइजल एंड पिकॉक, ये तीन स्टार पे डायमंड दिया हुआ है, देखा आपने. तो दीज आर द थ्री स्टार विच आर आइडल फॉर टेकिंग थ्री स्टार फिक्स, बट हमें फोर स्टार फिक्स चाहिए. इसके लिए फोर स्टार के लिए ये सुटेबल नहीं है, फोर स्टार के लिए हमें प्लॉट करना पड़ेगा. अच्छा अभी जैसे अल्फ्रेड्स है, अल्फ्रेड में पहले लिखा है एच सी, देन लिखा है जेड एन. एच सी जो होता है ये हाइट, दिस इज एलिवेशन, एंड जेड एन दिस इज योर azimuth. You are with me? Yes. This is altitude, this is bearing, azimuth. So altitude हमने कहा था it should be 15 to 70, right? तो आप देखोगे सारे स्टार वो 15 to 70 के बीच में. Yes, sir. उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं. आप डायरेक्टली ये जो सात स्टार हैं इनका नाम और उनका azimuth लिखिए. जैसे एल्फ्रेक्स 356, हमल 029,
इस तरह से सातों स्टार का लिख लीजिए जरा। ओके ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। यस सर। अभी आप लोग क्या कीजिए, अपना रेडार प्लॉटिंग शीट पे ये जितने भी स्टार हमने लिए हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं 7 स्टार, आप खाली सेंटर से वो एजिमथ मारिए, वहां पे स्टार बनाइए, उसका नाम, स्टार का नाम और एजिमथ लिख दीजिए, तो पूरे 7 स्टार आपको रेडार प्लॉटिंग शीट पे प्लॉट करना है। ओके सिंपल प्लॉट कर रहे हैं, एक लाइन खींचे, ऊपर स्टार का नाम लिख दीजिए बस।
इस तरह से आपको प्लॉट करना है। अच्छा, स्टार सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया और होगा, एवरी क्वाड्रेंट देयर शुड बी एटलीस्ट वन स्टार। ओके, हर क्वाड्रेंट में आपका एक स्टार होगा। अभी मेरे को आप बताइए कौन से चार आप सेलेक्ट करेंगे। हेमल, एनोपस, पीकॉक और एनिस। पीकॉक एंड एनिस। ओके, एनी अदर कॉम्बिनेशन एनीवन कैन सी। ही सेइंग हेमल, एनोपस, पीकॉक एंड एनिस। दूसरा होना चाहिए तो अल्फ्रेड्स, रीजल, अल्फ्रेड्स, रीजल, रीजल, अचरनर, से अगेन, अचरनर, अचरनर एंड पिकॉक। अचरनर और पिकॉक के बीच का एंगल कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया? वो कैनोपस और पिकॉक, कैनोपस और रीजल के बीच का कम हो गया। तो इसमें आपको एक एक छोटा छोटा एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिखना। तो ये देखिए, तो रिक्वायर्ड वन स्टार पर क्वाड्रेंट, देयरफॉर एनिफ नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में अकेला, सॉरी नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लिया, पिकॉक साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में। पिकॉक तो आपको लेना ही है क्योंकि वो अकेला स्टार। Thus, Hamal, Northeast, and Canopus in Southeast. That is the best combination. It fits here. You all agree? Yes, sir. Hamal, Canopus. Yes, sir. And Peacock. Peacock and NF. क्योंकि ये अकेला स्टार है तो लेना ही लेना। तो सॉरी, तो हम तरीका क्या होता है, जो लेना है आपको उसके अपोजिट में देख लीजिए। पिकॉक के अगेंस्ट में हमल आ गया, फिर इसका परपेंडिकुलर देखिए तो एनिफ आ रहा है, एनिफ के अगेंस्ट में आपको कैनोपस दिख रहा है। इस तरह से होता है, इनका पोजिशन लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये बनाने का जरूरत नहीं होती। So many candidates were unable to complete this part, part A. There was a great lack of understanding of relationship between shift time, zone time, UT and LMT. Okay, SQA feedback. Many candidates were of the opinion that star sight could be taken at the commencement of nautical twilight and would still be available and visible at sunrise. A number were unable to calculate LMT civil twilight using the extract from nautical almanac and could not obtain LHA Aries. Some using sun instead of Aries. Many applied LIT wrongly and ended up with a time for either mid-afternoon or previous evening. So, yes, a mistake ki bachcha logon ne. Part B में most candidates have made a reasonable attempt at this question. Part C provided the choice of star were backed up by some reasons. The marks were obtained for LHA of Aries obtained. Although number of candidates failed to attempt this part, few were aware of the reason for taking star either due north or due south. Good light and good launch. वैसा सब कुछ नहीं होता है, हर क्वाड्रेंट में आपको एक स्टार चाहिए। एसक्यूएल दिसंबर 2016, कैन वी डू क्विकली। ये थोड़ा डिफरेंट है। तो 14:30 शिप्स टाइम, ऊपर हेडिंग देख लो क्या लिखा मैंने। It says by single estimation method. So single estimation क्या होता है?
यू हैव टू कैलकुलेट ओनली वंस. ओके चलो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. तो 14:30 आवर्स शिफ्ट टाइम जोन -4 ऑन 10 डिसंबर. मास्टर रिक्वायर्ड दैट ओडब्ल्यू कैलकुलेट्स विच स्टार विल बी अवेलेबल टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग इवनिंग ट्वाइलाइट. दिन में 14:30 को मास्टर आया ब्रिज पे, उसने ओडब्ल्यू को बोला कि इवनिंग में कौन कौन से स्टार हमको कैलकुलेट करने, उसका जरा एक लिस्ट तैयार रखो और टाइम तैयार रखो. राइट, तो डी आर एट 14:30 मतलब दिन में टू 14:30 को डी आर वॉज दिस एंड वेसल वॉज डूइंग 105 विथ सर्विस स्पीड. शिप सर्विस स्पीड, शिप स्पीड इज 14.2. Now it says by single estimation method, यानी कि इसमें दो मेथड है, एक डबल एस्टिमेशन है एक सिंगल एस्टिमेशन. तो सिंगल एस्टिमेशन मेथड कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 10 डिसंबर एन अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ सिविल टॉयलेट एन अप्रोक्सीमेट डी आर फॉर द टाइम ऑफ टॉयलेट. पहले फर्स्ट पार्ट चलेंगे. So by single estimation method, this means we are working out the time of civil toilet using our current position. Aap 14:30 ko ek position mein ek hi DR hai aapke paas. And uske liye aap check karoge ki hamara civil toilet kya hoga. So 10 December 14:30 DR position so and so. Civil toilet time calculate कीजिए. Go to your almanacs please. का आपको दिया हुआ है. तो आई एम गेटिंग 1945. एवरीवन गेटिंग दैट. Then local time civil twilight 10 December 1945 LIT थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया 0413 longitude is GMT least. तो UT civil twilight आपका हो जाएगा 1532.
10 December 11:32 ड्यूटी सिविल टॉयलेट आ गया सबका। यस सर 11:32 फिर शिफ्ट टाइम लगा के शिफ्ट टाइम सिविल टॉयलेट निकाल। तो टाइम जोन वाज गिवन इन क्वेश्चन 4 आवर्स। तो अभी एरीज निकाल लेंगे। हाँ बाकी अपना क्वेश्चन में बोला नहीं है एलएमटी यूटी शिफ्ट टाइम क्वेश्चन, तो हमने सभी कैलकुलेट किए। नाउ शिप्स राम जो टाइम मिला है आपको 1932 तक, तब तक आपको शिप्स रन लगा 1430 से 1932 5 आवर 2 मिनट स्पीड 14.2 71.5। तो कोर्स दिया आपको 105 इन क्वेश्चन। तो कैलकुलेट पोजीशन एट सिविल टॉयलेट।
We are getting this position. Yes, sir. तो आपने यूटी टाइम निकाला था उसके लिए एलएचए रिस्क कैलकुलेट कीजिए. So LHA is I am getting 01656 degree, 56 minutes. All of you got it? Completing. Yes, sir. अभी हम लोग साइड रिडक्शन टेबल में जाएंगे. तो मैंने ये पेज ऑटोमेटिक खोल के रखा है आपको. तो 38 डिग्री साउथ एलएचए हम 017 लेंगे. तो दीज आर द वैल्यूज. अभी यहां पे देखिए एक इंटरमीडिएट हेडिंग भी है. When it is there, we will not look on the top. हम लोग intermediate वाले को देखेंगे. तो हमल, एल्डब्रान, राइजल, कैनोपस, पिकॉक, फॉर्मल हाउट एंड अल्फ्रेट्स. ये सब नोट डाउन कर लीजिए. All right.
मेरे को चार स्टार बताइए, आपकी क्या चॉइस है? हाँ हमाल कैंपस, पीकॉक और अल्फा ड्रेस। कौन कौन सा लिया आपने, एक बार फिर से बोलिए। मैंने हमाल लिया, पीकॉक हमाल, ओके। कैनोपस, पीकॉक और अल्फारेट्स। पिकअप तो आपको लेना ही है, कैनोपस लेना ही है कैनोपस भी लेना ही है ना। टू रिड्यूस द सॉरी इंक्रीज द एंगल दे बरान को लिया। तो अल्फ्रेड्स, कैनोपस लिया तो आपको अल्फ्रेड्स लेना पड़ेगा, है ना? ये बाहर चला गया ना, तो बाहर कैनोपस एंड अल्फ्रेड्स फिक्स हो गए। पिकअप, से पिकअप के इसमें आपको नहीं दिख रहा, आपने हमल लिया, राइट? मैंने प्लॉट नहीं जस्ट बेरिंग लेके सेलेक्ट किया था। एम एफ हुसैन। सो कैनोपस इज द ओनली स्टार इन क्वाड्रेंट, पिकअप इज ओनली स्टार इन क्वाड्रेंट। ये दोनों को तो लेना ही लेना, ये दोनों का अपोजिट देखेंगे हम। तो अल्डरब्रान इट इज अपोजिट टू पिकअप एंड अल्फ्रेड्स इज ऑलमोस्ट अपोजिट टू कैनोपस। लाइक दैट। तो यू आर हैप्पी अबाउट दैट, यस सर, ऑल ऑफ यू? यस सर। सर हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा ना उसमें यस रडार सर, ये प्लॉटिंग प्लॉटिंग सीट, शीट पे डाल के आपको दिखाना पड़ेगा ना, मैंने ये चार स्टार दिए। एंड फिर उसमें एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, नोट देना हाँ पड़ेगा ये खाली। ठीक जैसा मैंने लिखा ना, खाली इतना इतना सही लिखना है, बस ज्यादा नहीं, कि है सर। व्हाई यू आर सिलेक्टिंग दैट स्टार। तो जो अकेला स्टार है सबसे पहले उसको लेना। पहले ये हेडिंग लिखनी है, फॉर 4 स्टार फिक्स रिक्वायर 1 स्टार पर ऑर्डर यस एंड देन वी एक्सप्लेन। फिर वो बोलता है पार्ट बी में, आ गया क्वेश्चन। है क्या? कौन सा क्वेश्चन था? 2016 का था ना? यस दिसंबर 16। ठीक तो ये देखिए, 2B में पहला पूछता है विच स्टार विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग सिविल ट्वाइलाइट, 8 मार्क्स, विद रीजन विच स्टार वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर 4 स्टार, 9 मार्क्स। तो जो आपने प्लॉटिंग किया और जो एक्सप्लेनेशन किया, 17 मार्क्स मिल गया उसमें। फिर वो बोलता है विच स्टार वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर 3 स्टार फिक्स, डायमंड तो जिनमें 3 में डायमंड था, तो हमल, कैनोपस और फॉर्मल आउट। सर, ये सिर्फ ना आंसर लिखना है, उसका एक्सप्रेशन भी देना है कि वो स्टार बना डायमंड। आप बोल दो ना 3 स्टार विच आर गिवन इन योर साइड डिटेक्शन टेबल। फिर वो बोलता है इफ एलएचए एरीज हैड बीन 0-3-3, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमथ ऑफ हमल एंड सीरियस विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन लाइन। ये मैं बता देता हूं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 3 स्टार कैसा? फॉर 3 स्टार फिक्स रिक्वायर अप्रोक्सीमेट स्प्रेड ऑफ 120 डिग्रीज एंड द साइड डिटेक्शन टेबल, बेस्ट स्टार फॉर 3 स्टार फिक्स आर एनोटेटेड विद द सिंबल। तीनों आपने नोट डाउन कर लिया, ओके। वो बोलता है एलएच एरीज अगर 0-3-3 हो जाता तो ये 33 डिग्रीज है एंड इज टॉकिंग विद सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू हमल एंड सीरियस। तो हमल का जो बेयरिंग है 359 है, सीरियस इज 091। तो कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? इट्स 90 डिग्री। ओके एंड
पीएल पीएल सोच के बताइए। मेरे तो दूसरा चीज 90 डिग्री तो ठीक है, 359 का जो पीएल है इट इज मोर और लेस ईस्ट वेस्ट इजंट इट, यस ईस्ट वेस्ट है तो वो लैटिट्यूड हो गया, और 091 का जो पीएल है इट इज मोर और लेस साउथ नॉर्थ साउथ, लॉन्जिट्यूड ये इस, हाँ ये इसका सिग्निफिकेंस। तो ऐसे मत आओ, फॉर्मल इज 359, पोजीशन लाइन वुड रन 089269 एंड देयर फॉर ऑलमोस्ट इट विल गिव अ ऑब्जर्व लैटिट्यूड। तो एजिमथ ऑफ सीरियस इज 091, पीएल विल रन 181001, देयरफॉर इट विल ऑलमोस्ट गिव द लॉन्जिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व मोर और लेस, इट विल बी क्विक यू नो, अगर 033 मिल गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन चाहता हूं मैं आप लोग करें। दिस इज डबल एस्टिमेशन, एक मिनट बिफोर यू नोट डाउन जस्ट पे अटेंशन ऑन स्क्रीन एवरीवन। ये मैं पिछला क्वेश्चन वापस दिखा रहा हूं 2016, इसमें पार्ट ए में देखिए क्लियरली बोल रहा है बाय सिंगल एस्टिमेशन मेथड। और जब हम लोग अभी ये वाले क्वेश्चन में आए, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा वो सिंगल डबल कुछ नहीं बोल रहा, व्हेन नथिंग इज गिवन दैट मींस यू हैव टू सॉल्व बाय डबल एप्रोक्सीमेशन, तो डबल अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं डबल एस्टिमेशन भी बोलते हैं। अगर वो चाहता है कि आप सिंगल से करो तो आपको सिंगल लिख के बोलेंगे। ओके वी जस्ट सॉ दैट, ओके प्लीज नोट डाउन दिस पोजिशन, आई विल टेल यू व्हाट इज डबल अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन डन, हम यस लोग 2 मिनट डिस्कस करेंगे फिर यू कैन स्टार्ट। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक डीआर दिया हुआ, तो डीआर पोजीशन इज गिवन टू यू। तो डीआर पोजिशन इज गिवन टू यू और जहाज का एक कोर्स बताया,
गिवन यू सर्टेन कोर्स, वेसल वहां तक जा, सपोज वेसल इस तरह से जाए, पर कहां तक जाएगा? तो डीआर पोजीशन के लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए सिविल टॉयलेट निकाला, तो डीआर पोजीशन के लिए सिविल टॉयलेट निकाला, एंड सिविल टॉयलेट निकालने के बाद में वी अप्लाइड रन, रन का मतलब कोर्स एंड डिस्टेंस, एंड वी फाउंड कैलकुलेटेड डीआर आफ्टर दैट रन, तो हमें एक डीआर मिला यहां पे, दैट इज डीआर आफ्टर रन। और ये पोजीशन के लिए हम लोगों ने सिविल सॉरी एलएचए रिस्क कैलकुलेट किया और उसके लिए स्टार सेलेक्ट किया, राइट? दिस इज व्हाट वी डिड इन प्रीवियस क्वेश्चन। आपको नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम है? मैं स्टार सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पे और सिविल टॉयलेट कैलकुलेट किया मैंने ये टाइम पे, तो देर इज अ प्रॉब्लम, राइट? अगर मुझे स्टार यहां पे चाहिए तो मुझे यहां का सिविल टॉयलेट चाहिए, तो डबल अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाली पोजीशन को हम आर वन कहते हैं, आर वन का मतलब होता है रेंडवू वन, क्योंकि रेंडवू का एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं आर वन। आर वन के लिए सिविल टॉयलेट फिर से कैलकुलेट करो, तो एक बार सिविल टॉयलेट कैलकुलेट हुआ, अप्लाई रन अगेन, डबल है ना, तो दो बार करना पड़ेगा, अप्लाई रन अगेन, रन निकाला तो आपको यू गॉट न्यू डीआर, वो न्यू डीआर जो मिला उसको हम नाम देंगे आर टू, दैट इज योर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। और वो सेकेंड जो आर टू पोजिशन है उसके लिए हम लोग स्टार कैलकुलेट करें, तो प्रोसीजर गोज लाइक दैट, इसको बोलते हैं डबल अप्रोक्सीमेशन। तो शुरू में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करे आपको, तो इट इज वेरी सिंपल, तो लेट स्टार्ट, कैलकुलेट टाइम ऑफ सिविल टॉयलेट फॉर इनिशियल पोजिशन। So this is a double run question similar to sunrise rendezvous. We only have our DR position. We do not know where we will be at civil toilet. Present time pe calculate kiya. Suppose aaj hum log baithe hue hain yahan pe. India mein time is 16:00. Okay. Aur main hum log jahaj pe bol rahe hain ki kal subah agar mujhe star observe karna hai to uska position abhi calculate kar. तो मैंने क्या किया, जो पोजीशन मेरे पास था यानी कि 1600 का, उसके लिए सिविल टॉयलेट पहले निकाला फिर रन लगाया, राइट? नहीं तो मैं रन कहां तक लगाऊंगा, तो दैट इज व्हाट वी डू इन द बिगनिंग। सो स्टेप वन, ऑब्टेन सिविल टॉयलेट फॉर इनिशियल पोजीशन, कैलकुलेट रन फ्रॉम स्टार्ट टाइम टू सिविल पोजीशन, मतलब 16 बजे से जो भी सिविल टॉयलेट आपको मिला वहां तक के लिए रन लगाया। Step 3, use this runtime to steam to DR position R1, estimated civil toilet position. Use the DR position to recalculate the time of civil toilet. Note, ship is steering 090 in this question. So we have same latitude, but we have changed longitude.
लॉन्जिट्यूड चेंज होगा तो आपका एलआईटी चेंज हो जाएगा, एलआईटी चेंज होगा तो आपका जीएमटी चेंज हो जाएगा। यूज न्यू टॉयलेट सिविल टॉयलेट टू कैलकुलेट सेकेंड रन टाइम एंड सिस्टम टू न्यू पोजिशन पोजिशन आर टू। तो इसमें काफी बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो बी वेरी केयरफुल, डोंट लूज द ट्रैक। पहला हेडिंग डालिए कैलकुलेट सिविल टॉयलेट एएम 24 जून। तो 24 जून का सिविल टॉयलेट कैलकुलेट कीजिए प्लीज। तो एक बार मैं चेक कर रहा हूं कहीं मेरा डेट चेंज तो नहीं हो रहा है, जस्ट ये विजुअली देखना है आपको। ओके, यहां से हमारा वर्किंग शुरू होता है, यूटी सिविल टॉयलेट 24 जून और स्टार्ट पोजिशन। ओके, तो यहीं पे मैंने उसको सिविल टॉयलेट को जीएमटी में कन्वर्ट कर दिया। एक बार जीएमडी में कन्वर्ट हो गया तो फर्स्ट टर्न लगेगा, तो हमारा जांच का टाइम था 1500 यूटी और सिविल टॉयलेट है 0153। टोटल रन देखिए, इट इज 10 आवर 53 मिनट।
10 hour 53 minute and your speed is 15 knots. क्वेश्चन में स्पीड दिया था दिखा नहीं 15 15 ऊपर दिया तो कोर्स है 090 R1 पोजीशन कैलकुलेट कीजिए सर लैट विल बी सेम लॉन्जिट्यूड इज लैटिट्यूड इज गोइंग टू बी सेम इजंट इट दैट इज सेम एंड लॉन्जिट्यूड कितना आया डीलॉन्ग कितना आया आपको 3 degrees 20.3 ईस्ट ईस्ट तो 75 degrees 20.3 एवरीवन गेटिंग दैट फर्स्ट R1 यस सर डीलॉन्ग सेम सर अभी क्या करना है हमको यहाँ के लिए सिविल टॉयलेट वापस कैलकुलेट करना बट ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका लैटिट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो सिविल टॉयलेट टाइम भी सेम रहेगा ना है ना टॉयलेट टाइम तो आप लैटिट्यूड के लिए कैलकुलेट करते हो आपका लैटिट्यूड चेंज नहीं हुआ तो आपका सिविल टॉयलेट टाइम भी चेंज नहीं होगा तो ये एक्चुअली लैटिट्यूड टॉयलेट टाइम वुड बी चेंज सेम तो उसके लिए हमारा डीआर चेंज होगा तो सबसे पहले सिविल टॉयलेट पोजीशन R1 के लिए क्या तो सिविल टॉयलेट इज 641 इट इज अनचेंज बिकॉज इट इज ऑफ सेम लैटिट्यूड और LIT लगाया तो मुझे UT सिविल टॉयलेट मिल गया 0140 तो एक बार सेकंड टर्न वापस कैलकुलेट कीजिए 1500 से 0140 स्पीड 15 नॉट्स
बहुत अच्छे डिजाइन है। इसका नया पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है अभी। हाँ सर, बी लॉन्ग है 3 डिग्री 16.3। रीडिंग 3 16.3 कर। यस सर। इसके बाद में R2 पोजीशन कैलकुलेट कीजिए। मिनलेट मिनलेट नहीं निकालना है, खाली समझाने के लिए, जो हम वियर्ड क्लास में जाते हैं वहां के लिए। तो डीआर पोजीशन फॉर सिविल टॉयलेट इज 35 डिग्री 24.0। लैटिट्यूड सेम है थ्रू आउट। That is your R2 position. सर, इससे पहले वाली स्लाइड लेना है, एक मिनट।
ऑटो पोजिशन, एवरीवन प्लीज कंफर्म। LHC 12 degrees 22.4. LHA 12 22.4। Yes. और लैटिट्यूड कितना है आपका? एटीट्यूड है सर 35-24 साउथ और नॉर्थ? साउथ। डिग्री तो साइड रिडक्शन टेबल बताऊं मैं सबको? तो दिस इज 35 डिग्री साउथ और आपका एल एच ए डिग्री 12 है ना? बिल्कुल
स्मॉल कैन ऑफ स्पीकर। डिपार्चर 160 का कहाँ आ रही? सेकंड टर्न का इन आवर 14 मिनट्स टू द बुकिंग। टी लॉन्ग अपॉन कॉस लैट डिपार्चर इज इक्वल टू या ओके सर ओके ओके तो पिकॉक इट इज ओनली स्टार इन क्वाड्रेंट एंड अमल इज अपोजिट टू पिकॉक कैनोपस इज 136 एंड 90 डिग्री टू पिकॉक एंड अमल एन एच 3 7 3 0 7 ओनली स्टार इन दैट क्वाड्रेंट Dinkar, you want to see site reduction table? All of you are getting this? Yes, sir. Yes, sir. November 2014, इसको होमवर्क करके ले लो. जांच का कोर्स अलग है सिविल स्टीयरिंग 080 अलग मतलब इसमें 098 दे तो 098 हाँ भाई 098 पूरा प्लेन सेलिंग
एवरीवन इज देयर सर। चलो ये कर लीजिएगा, फिर इसके बाद सेलेस्टियल इज ओवर, देन वी विल गो मूव टू आवर लास्ट टॉपिक रैंडम। ठीक है ठीक ओके सर। चलो वी कंक्लूड हियर गाइस। यस सर। ओके बाय 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 सर। बाय।